अगर आपको हाई वोल्टेज के बारे में कोई जानकारी ना, तो कृपया इसे घर पे ना करें। दोस्तों ये है हमारे पास प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस। इसमें प्रॉब्लम ये है, इसकी केबल जो है एल्युमिनियम की है और ये भीग चुकी है। भीगने के बाद इसमें सिवलन आ गई है, जिसकी वजह से इसकी एल्युमिनियम वायर ख़राब हो चुकी है। इसको जब बोर्ड में लगाते हैं इसमें करंट मारता है। ये देखिए, जैसे मैं इसको लगाया बोर्ड में, ये देखिए आग जल गई इसमें। ये शॉर्ट कर रही है भीगने की वजह से। तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इस प्रेस की पूरी वायर बदल दी जाएगी और ये सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, इसकी वायर बदलते हैं। ये देखिए, गीली होने की वजह से जल रही है, और क्योंकि एल्युमिनियम वायर थोड़ा नरम रहती है इसलिए भी प्रॉब्लम होती है। तो हम इसमें हार्ड कॉपर वायर बढ़िया लगाएंगे। जो हमारे पास कॉपर वायर है, ये देखिए यहाँ जल गई है। आपको मैं अच्छी तरह से दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ ये जली है। ये देखिए, कस्टमर बोल रहा था कि हाँ ये लाइट बहुत मारता है। और हमारे पास ये है कॉपर की वायर, एक नंबर। पुरानी वाली अनइंस्टॉल करके नई वाली इंस्टॉल कर देंगे इसमें, और अच्छे से टाइट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें पुरानी वाली केबल निकालना पड़ेगा। ये देखिए कैसे निकलेगी ये। तो जैसे निकालना है वैसे बाद में लगा भी देना है इसको। तो मैं यहीं से काट दूंगा, क्योंकि अभी आप जब उसको स्क्रू को ढीला करेंगे जिसमें लाइव वायर को, तो उसमें आप कट जो हमारे पास है, ये देखिए कट टाइप का जो है, इसका लग है जो कट टाइप का, ये देखिए। तो आपको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, आधे में ही आपका काम हो जाएगा। तो इसको होल्डर स्क्वायर फंसा लेना है, वायर होल्डर जो है इसको फंसाना है, इसको हल्का से ढीला करना है। ये देखिए ऐसे लगा के टाइट कर देना है अच्छे से, कि स्पार्किंग ना करें। आप देख सकते हैं कैसे स्पार्क लगा हुआ है। बस ये हो गया टनाटन एकदम ठीक। इसको फिर ऊपर पूरा जैसे खोला गया था इसको वैसे ही बंद कर देना है, और इसको फिर बाद में चेक करेंगे एकदम टनाटन। ये देखिए एकदम सही हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।